जी फाइनली समय आ गया है जिया और बेबी के घर आने का। यहाँ पर इतना सारा बलून जो है फूल चुका है और सभी को अपसेट किया जा रहा है। भैया समझ गए जी, डिस्चार्ज का सारा फॉर्मेलिटी हो रहा है। यहाँ पर जो भी पेपर वर्क है, पर जो है हमारा बालक वह सो रहा है, उसको सोने देते हैं। जितना देर नींद लेना है, कुछ सेकेंड की बात है, कुछ मिनट की बात है, बाद में घर में नींद लेगा वो। अपने बीवी और बच्चों के साथ, और यहाँ पर पूरी फैमिली है साथ में। देख सकते हैं नानी है, दादी है, पूरी फैमिली है यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर। अब सब करो ऑर्डर, मानियो मालिक के आला हमको कौन सा आता है? चाचा के हाथ में आ गया है, तो देख सकते हैं चाचा चाची के साथ में है। लो यार, तुम ही लोगों को डर लगता है। डर लगे ना वाली जी अभी हम बैठे हुए हैं बाइक में, और हमारे साथ जो है कितना ज़्यादा सामान है आप देख सकते हैं। हुआ ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। गाड़ी हमारी लगी हुई थी यहाँ हमारे घर के आगे, जैसा कि आपको बताया था पार्किंग स्पेस है नहीं, तो हम लोग रूम के अंदर इंटर किए गाड़ी लगा करके, सोचे कि जल्दी से अंदर जाएंगे, सारे कार्यक्रम करेंगे और
गाड़ी वहां से हटा लेंगे, लेकिन इसी बीच में आ गया एक रिक्शा। भाई साहब वो अपना हॉर्न बजाने लगे जो उसका है, पों 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 करते रहता है वो, तेजी में दौड़ करके आए क्योंकि आप ऐसा करते हैं गाड़ी पहले हटा लेते हैं उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो गाड़ी के अंदर से किसी ने सामान ही नहीं निकाला था, तो गाड़ी जो है पूरा सामान के साथ चला गया अपने जगह जहाँ पर पार्किंग में रहता है। भला ये था कि एक भाई साहब जो है साथ में आए हुए थे, बाइक साथ में थी, तो सारा सामान हम देखे डिग्गी में वहीं पर है, तो सारा सामान जो हम ले आए और पीछे हम बैठे हुए हैं सारे सामान के साथ, अच्छा खासा सामान है, तो सामान डिग्गी में भी है जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। सीधा चलते हैं अभी, चलते हैं जी दुकान। दुकान से कुछ लाना है, आलू लाना है और कुछ हींग और कुछ मसाले सब है, तो जा करके लाते हैं। ले लिया जी सारा सामान, अब सीधा चलते हैं घर। ये लो आ गया तुम्हारा सारा सामान। ये क्या कर रहा है अभी? ये अभी हाथ पे हवा छोड़ दिया, हाथ पे हवा छोड़ दिया। अभी चल रहे हैं जी बाहर, जिया का कुछ इंजेक्शन बाकी है तो वो इंजेक्शन लेने जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं आसपास कहीं मेडिकल स्टोर में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सीधा क्लिनिक से ले जाएंगे, वहीं पर मिल जाएगा जी। मेडिसिन लेकर के तो आ गए, वहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं जी। वो जो क्लिनिक था वहीं से बगल में था हमारे फ्रेंड सूरज का घर, तो उसी के साथ चले गए। और यहाँ जो है देखा भी नहीं था अभी तक बेबी को, तो बोला कि चलो साथ चलते हैं देख लेते हैं। तो वहाँ वेट कर रहा है और बेबी अंदर शायद अभी रो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। रोना नहीं, रोना नहीं, झूला झूलाएंगे अभी चच्चू के पास देंगे। झूला झूलो, बाप रे बहुत टफ काम दे रहा है भाई। मेरा ये ऐसा ही हालत था कुछ, रखोगे कोई दिक्कत, इस पे रहना चाहिए, इस पैर लगा के इसका पीठ गर्दन और सर। हेलो, रुक जाइए बस दो तीन मिनट देर है। हेलो अंकल बाबू, इधर देखते बाबू। वाह अंकल के गोद में जा करके एकदम शांत हो गया है। और बाबू मिलो चच्चू से, पापा को देख रहे, कैमरा देख रहा है, ये भी वही जॉगिंग कर रहा है। सेल्फी सेल्फी दिखाओ इसको अपने। ऐसे घर से आ गए जी, यहाँ तो अपने भतीजी से मिल लिया, उसके बाद आए हुए यहाँ ऋषभ भी आया हुआ है लीची लेकर के पूरा, और एकदम फ्रेश लीची है, पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, थोड़ा कम है, कोई बात नहीं पूरा खाएंगे इसके घर जा करके। अब जी अभी अभी अपने वीडियो का जो है कमेंट सेक्शन चेक कर रहे थे, तो कमेंट सेक्शन चेक करते करते देखा एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि कल हम मना रहे थे कि आपका वीडियो जो है ट्रेंडिंग में आ जाए, और फाइनली आ गया। तो उनकी उस कमेंट से हमें पता चला कि हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में आ चुका है, तो मजा आ गया जी। अभी हमने देखा एक्सप्लोर पेज खोल करके, इतनी खुशी, और वहां पर देखा कि सातवें नंबर पर हमारा वीडियो ट्रेंड कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में सातवें नंबर पर हमारा वीडियो ट्रेंड कर रहा है। तो हमारे बेबी को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलारा, बहुत सराहा, बहुत सपोर्ट किया, मजा आ गया जी। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हम ऐसे ही आप लोगों के सामने आते रहेंगे। आप लोग के सपोर्ट से तो हुआ ही, लेकिन भगवान की जब दया होती है सब लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए वक्त बलवान है, सबको वक्त सद्बुद्धि दिए, सब लोगों ने आगे बढ़ाए। एक बात और कहना चाहेंगे, भले आज मेरे पास सब कुछ है, या ईश्वर की कृपा है, या मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, या मेरा अपना कर्म फल है, जिस समय पति पत्नी दोनों अनएम्प्लॉयड थे तो सब लोग समझ सकते हैं, जब तुम लोग अनएम्प्लॉयड थे सब लोग समझ सकते हैं, और जिस दिन यह बेटा मेरे गर्भ में आया था उसी महीने में मुझे नौकरी हुई। अच्छा। और जिस दिन मेरा बेटा जन्म हुआ उस दिन पहला डीए का घोषणा हुआ। अच्छा। जो मेरे कलीग थे या जो मेरे सहयोगी थे, जो मेरे स्टाफ थे, सबों ने यही कहा कि बच्चा दूध का डब्बा साथ लाया है। अच्छा। और मुझे लगता है कि भगवान मेरे पोता के रूप में इस समय को दोहराया है। और हमारे साथ देखिए जी, जब हमारा बेटा आया है तब हमारा वीडियो जो है 1 मिलियन गया है, और पहला वीडियो है जो ट्रेंडिंग में गया हुआ है, तो हमारे लिए भी हमारा बेटा काफी लकी हुआ। जी अभी चलते हैं नीचे, नीचे भी जाकर के पापा को बताते हैं और अपने भाई को बताते हैं कि वीडियो ट्रेंड कर रहा है, तो देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन रहता है। तो मोनू को मम्मी बुला रही है कि दोनों को साथ ही बताया जाएगा। मोनू भी आ रहा है, तो साथ ही मोनू और पापा को बताया। मोनू अपने रूम में है, वो आ रहा है, इंतजार कर रहा है। चलो बैठ जाओ, आगे बैठो, तो एक चीज बताना है तुमको, तुमको और डैडी दोनों के साथ ही बताते हैं। तो हुआ ये है, हुआ ये है, ये देखो मोबाइल एक्सप्लोर पेज पर है, यूट्यूब में ट्रेंडिंग जानता है, ट्रेंडिंग सेक्शन को इसी पेज पर है, बताते हैं, गिनो, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है बता देते हैं, जैसे देखो क्या हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेंड कर रहा है, तो YouTube सातवें नंबर पर, YouTube पर हमारा वीडियो ऑल ओवर इंडिया में सातवां नंबर पर इंडिया में।
10 लाख दो लाख ढाई लाख में भी ट्रेंड में चले जा रहा है। आप देखिए अपना 10 लाख में भी आप लोग का इतना हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम कहने के लिए दादी है, मेरी बहन जो है नैन्सी की मम्मी और मेरा बेटा छोटा वाला मोनू, अभी तक सब अपना उस बच्चे के लिए कर्म से यही लोग किया है। उसका बाप जो है वो भी घड़े में था। उम्मीद करते हैं इसी तरह हमारे 100 परिवार को आगे बढ़ाइए और भगवान आपको भी हम लोग से भी आगे बढ़ा दें।